डीओई मिशन मैथमेटिक्स 17 सितंबर। बेटा तो हमारे को दिया गया है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें यहाँ प्रूव नहीं करना। ऑलरेडी हमें बता दिया गया है कि एक इरेशनल नंबर है और हमें प्रूफ क्या करना है, 5 + 2√3 इज़ एन इरेशनल नंबर, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा जैसा इसमें करते थे इसमें भी हम एज्यूम कर लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या है तो इसको हम एक परिमेय संख्या के रूप में कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ हमने सिंपली एक्स या ए या कुछ भी बी या वाई आप इस तरीके से मानेंगे, वेयर एक्स इज रैशनल, यानी कि परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है, आप क्या करेंगे, ये जो भी आपको यहाँ रूट की टर्म दी गई होगी सिर्फ अकेला इसे यहाँ एक तरफ छोड़ेंगे, बाकी इसके पास जो भी टर्म एक्स्ट्रा हैं वो सब हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या हटाएंगे यहाँ से, 5 जो कि यहाँ प्लस हो रहा है। तो देखिए 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए 2√3 है, इसका मतलब 2 और रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो मल्टीप्लिकेशन में टर्म है वो कहाँ चली जाएगी, डिवीज़न में, है ना। तो 2 अब आ गया इसके साथ डिवीज़न में। अब हमारे पास ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया कि एक तरफ तो हमारे पास अपरिमेय संख्या रह गई और इस तरफ परिमेय में परिमेय घटाएं या उसे भाग करें तो हमेशा आंसर परिमेय संख्या ही होता है, जैसा कि आपको बताया भी रखा है। तो बेटा ये सारी टर्म इस तरफ का पूरा रैशनल नंबर है और इस तरफ इरेशनल नंबर है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ऐसा होना कि अपरिमेय और परिमेय संख्याएं बराबर हो जाएं। और जब भी हम मैथ्स में काम करते हैं आगे इम्प्लाइज का साइन ज़रूर डालना है, ठीक है। अब आपने लिखना है अपरिमेय बराबर है परिमेय के, है ना। तो दैट मीन्स इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड देयरफॉर यह एक अपरिमेय संख्या है, इट इज़ एन इरेशनल नंबर। और बेटा यहाँ आप साइड में रीज़न भी दे देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया था कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम यहाँ इसे सेपरेटली सॉल्व नहीं करेंगे, प्रूव नहीं करेंगे कि ये भी एक अपरिमेय संख्या है। आपने सिंपल यही क्वेश्चन इसी तरीके से करना है।